नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। सीपी के एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम आपके बीच न्यूज लेके आए हैं कि आखिर स्कूल कॉलेज कब से खुलेंगे। पूरी न्यूज आपको ऑफिशियल दी जाएगी। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब देखिए पूरी ऑफिशियल न्यूज। भारत कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच अनलॉक 4 की प्रक्रिया से गुजर रहा है। वहीं इसके तहत 5 महीने से अधिक समय के बाद अब चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोले जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने SOP जारी कर दी है। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले शिक्षकों या कर्मचारियों को इसके तहत स्कूल जाने की इजाजत नहीं होगी। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए या आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर सही आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE का हो, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या किसी और बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, NEET या क्लास 30 से 12 का सवाल हो, इन सब सवालों का जवाब मिलेगा डाउट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउट ऐप पर। साथ ही डाउट ऐप पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेज, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउट ऐप इंस्टॉल कीजिए। वहीं जिन स्कूलों का इस्तेमाल क्वारंटाइन सेंटर के रूप में किया गया है, उन्हें आंशिक तौर पर खोले जाने से पहले अच्छी तरह से सैनिटाइज करने का निर्देश है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी SOP में कहा गया है कि ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी। स्कूल अधिकतम अपने 50% शिक्षक और गैर शिक्षक स्टाफ को ऑनलाइन टीचिंग, टेलीकाउंसलिंग या इससे जुड़े दूसरे कामों के लिए बुला सकते हैं। 9वीं से 12वीं तक के छात्र अगर अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन के लिए स्कूल जाना चाहते हैं तो उन्हें इसकी इजाज़त होगी। वहीं इसके लिए उन्हें माता पिता या अभिभावकों से लिखित सहमति लेनी होगी। छात्रों के पास ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प मौजूद रहेगा। स्कूलों में एहतियात उपायों में शिक्षक, कर्मचारी और छात्र शामिल होंगे।